हेलो फ्रेंड्स, होम फूड्स बाय चंचल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर चावल, जो खाने में बड़े ही स्वादिष्ट और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले हम एक कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, उसमें हम डालेंगे काली मिर्ची जो मैंने 6 ले ली हैं और 3 लौंग, और यहाँ 1 छोटी चम्मच हमने ले ली है उड़द की दाल, और 1 चम्मच चने की दाल। इसे हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें राई, जीरा, एक बड़ी प्याज कटी हुई और कड़ी पत्ते। इसे हम भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सॉफ्ट होने तक नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज करना है। ये टमाटर राइस में हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जल्दी बन जाता है। बीच बीच में हमें प्याज चलाती रहनी है। हमारी प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर छील के बारीक बारीक काट लिए हैं। यहाँ हम ऐड करेंगे नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। और टमाटर थोड़े गलने तक पका लेंगे। हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर। लाल मिर्ची आप टेस्ट के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। और 1/2 चम्मच गरम मसाला। और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, जिससे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और अब हम इन मसालों को तेल छोड़ने तक पका लेंगे, कि जब तक मसाले पूरा तेल नहीं छोड़ देते। आप देख सकते हैं मसालों ने तेल छोड़ना चालू कर दिया है। अब हम यहाँ ऐड करेंगे अपने चावल। यहाँ मैंने 2 बड़ी कटोरी चावल ले लिए। उसी कटोरी से माप के 4 कटोरी मैंने पानी ले लिया है। आप जिस कटोरी या गिलास से चावल मापेंगे, उसी कटोरी से या गिलास से आपको पानी लेना है। इसमें हमने चावलों को पहले से भिगा के नहीं रखा है, खाली बस धो के हमने ले लिए थे चावल। चावल हमें भिगा के नहीं रखने इसमें पहले से। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी आने के बाद कुकर 2 मिनट के बाद बंद कर देंगे। हमारे चावल बनके तैयार हैं। हमारा कुकर भी ठंडा हो गया। ये देखिए, इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं। ये खाने के लिए तैयार है। इसे आप रायते के साथ
या हरे धनिए की चटनी के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छी लगेंगे। देखिए तैयार है हमारे टमाटर चावल। प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। प्लीज़ होम फूड्स बाय चंचल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।